वेलकम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। और आज मैं बना रहा हूँ वाइट चिकन कढ़ाई, मेक वेरी इजी एट होम। तो अगर ये मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ये ऐसी चिकन कढ़ाई है कि बाज़ारों में और जगहों पर आम मिलती है, बहुत कम मिलेगी। तो आप घर में बहुत इजी बना सकते हैं। ये बनती है दूध, इसमें क्रीम, मिल्क, ये चीज़ें डालेंगे, ब्लैक पेपर डालें, वाइट पेपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताएं ताकि फिर नेक्स्ट और वाइट डिशेस बनाऊं। गार्लिक, जिंजर, क्रीम, सॉल्ट, वाइट पेपर, मिल्क, ऑयल, चिकन 1 kg। इस रेसिपी में हम बनाएंगे ये चीज़ें सामने पड़ी हैं और ये बड़ी मज़े की वाइट डिश बनेगी। कढ़ाई हमने ली है, कढ़ाई में हमने जो है 1/2 कप हमने ऑयल डालना है। 1/2 कप हमने इसमें ऑयल डाल लिया है। तो इसमें फिर 1 किलो हमने चिकन डाल दिया है। अब चिकन की इसमें हमने बनाई के लिए हमने जो गार्लिक और जिंजर ये डाल दी है, इसके अंदर हमने बनाई करनी है। इसी के साथ हमने टेस्ट इसी से आएगा अगर हमने अच्छे तरीके से इसकी बनाई करनी है। इस तरह हम साथ साथ हिलाते जा रहे हैं। वाइट चिकन कढ़ाई का बहुत मज़ा आता है। देखिए ना इसमें हम क्या डाल रहे हैं, आप बटर डालें, मक्खन डालें, लास्ट पे हम क्रीम डालते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसकी रेसिपी में दही नहीं आएगी, ठीक है? दही डालती है कोरमे वगैरह में। तो आप ऐसी डिश घर में तैयार करें इस रेसिपी से, तो आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखें चिकन का कलर जो है ये बिल्कुल तब्दील हो गया है, तो ठीक ठीक सा हो गया, अलग भी प्यारा रहा है। और वाइट चिकन कढ़ाई आप लोग अक्सर बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट से मिली भी जाती है। 1 कप हमने अब इसमें डाल दिया दूध, दूध से ये देखे दूध डालते ही उसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा आ गया है। पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद हमने पानी इसमें थोड़ा सा अगर डालना चाहे तो डाल लें, लेकिन मैंने दूध डाला। अब मैं इसके थिक हो गया, थोड़ा क्रीम डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी बनाई हो चुकी है। तो अब मैंने इसमें क्रीम डाल ली, क्रीम डाल के मैं इसको थोड़ा सा अब जो है ना इसको थिक करूँगा। तो ये 2 से 3 मिनट में, ये क्रीम के बाद इसको 2 से 3 मिनट पकाना चाहिए, उसमें फिर ये थिक हो जाएगी। तो मैंने इसमें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, तो मैं इसको नॉर्मल थिक करूँगा। इस तरीके से हमने इसकी फिर जो है तेज़ आंच पे हमने कर दिया, इसकी फ्लेम तेज़ कर लेनी है। तो ये रेसिपी जो है आपको एक तो इजी बहुत ज़्यादा है, ना तो इसमें कोई टमाटर है, ना इसमें कोई प्याज वगैरह है जिसको आप उन्हें ब्राउन करने के लिए टाइम लगेगा। सीधा सा आपने चिकन को थोड़ा सा आपने ब्राउन करना है, उसमें साथ ही आपने फिर दूध डाल दिया, कितना इजी है। क्रीम लगा के थिक कर दे, नमक और काली मिर्च लगा ले। तो मैं वाइट पेपर यूज़ कर रहा हूँ। सो है ना इजी रेसिपी, और है भी बड़ी यूनिक सी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने जो बनाई है इसी रेसिपी से वो कैसी बनी है, और आपके जो मेहमान वगैरह हैं और घर वाले हैं वो इसको किस तरह का टेस्ट इसका पा रहे हैं। तो यकीनन ये रेसिपी उनको पसंद आएगी। अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, तो मैं अब भी ये थिक भी हो गया, इसको मैं एक ना सर्विस बोल में निकाल लेता हूँ। अब मैं इनको सर्विस बोल में निकाल रहा हूँ। तो इस अब इसका टेस्ट अच्छा इसलिए होगा क्योंकि हमने नमक, लहसुन और जिंजर जो है वो हमने डाल लिया ना, उसके अंदर हमने इसकी बनाई कि उससे टेस्ट आ गया। दूध का अपना टेस्ट होगा, क्रीम लगे उससे थिक हो गई। अब ये देखें कितना खूबसूरत बन गया है, ठीक है? तो अब इसमें ये देखिए हमारे पास ग्रेवी भी इसकी जो है हमने थोड़ी नॉर्मल थिक की है। तो ये देखें किस तरीके से कलर प्यारा लग रहा है। तो यकीनन ये, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।